फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं तुजा। अगर कोई मम्मा अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से दे रही है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से दे रही है, फिर भी उसको फार्मूला मिल्क देने का क्या कंपल्शन है? हाँ, वो जॉब ज्वाइन करेगी तो उसको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। और तीसरे महीने के बाद माँ का मिल्क सप्लाई कम हो जाता है तो बच्चे को तो फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। बच्चे को अगर लंबा सुलाना है तो उसको फार्मूला मिल्क कंपलसरी देना ही पड़ेगा। अगर उसका सी सेक्शन है तो उसको उतना दूध आएगा ही नहीं जितना बच्चे को चाहिए, तो उसको फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। पड़ोसी का बच्चा देख, उसका हेल्थ देख, कितना गप्पू गप्पू दिख रहा है, तेरा बच्चा बहुत पतला है, इसका मतलब तुझे अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। क्या ये सब चीज़ें सच्चाई है? द आंसर इज नो। एक बहुत सिंपल सा चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ना भी करता हो तो आपका ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को दो। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से चल रहा है, तो अभी मैंने जो भी वजह बताया उन सारे वजहों के लिए आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो कुछ डिफरेंसेस आप लोग को पता होना चाहिए। दुनिया क्यों आपको बोलती है कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा? बिकॉज कंपैरिजन कहीं ना कहीं हो रहा है कि फार्मूला मिल्क पीने वाला बच्चा लंबा रुकता है, लंबा सोता है, ज़्यादा गप्पू गप्पू होता है। ये सब चीज़ों में झूठ कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ों में सच है, बिकॉज फार्मूला मिल्क बिना मेहनत का बच्चे को मिल रहा है। दूसरा चीज़, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और डाइजेस्ट होने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तीसरा चीज़, वो आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड है एज के हिसाब से, एकदम परफेक्ट न्यूट्रिएंट्स को लेके, इसीलिए वो डाइजेस्ट करके सैशिएशन भी थोड़ा लंबा देता है। बट जो ब्रेस्ट मिल्क है, आप वो होते हुए फार्मूला मिल्क देने का कोई कंपल्शन नहीं है आपके बच्चे को। सो ऑल ऑफ यू, कुछ कुछ चीज़ें लोग हम लोग को बहुत कॉमनली पूछता है, मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया बट मेरा बच्चा बॉटल ले ही नहीं रहा, अभी मैं कैसे मैनेज करूँगी? डोंट वरी, आपके बच्चे को फार्मूला मिल्क या बॉटल फीड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फूड को प्रॉपरली रेगुलेट करके मैनेज कर दोगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जितने भी वजह मैंने बताई, ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क से कैसे मैनेज हो सकती है। पहला चीज़, उसका बच्चा देख फार्मूला मिल्क पीता है क्या, मस्त वज़न बढ़ा हुआ है। तेरा बच्चा देख, तेरे बच्चे का तो वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, तो अगर तुम्हें बच्चा वज़न बढ़ा हुआ चाहिए तो तुझे कंपलसरी तेरे बच्चे को फार्मूला मिल्क देना पड़ेगा। द आंसर इज नो। हमें हमारे बच्चे को गप्पू गप्पू या मोटा मोटा क्यों बनाना है जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है? हमारे बच्चे का वेट गेन नॉर्मली चाहिए। बट आपको वेट गेन की रियलिटी बता देती हूँ, पहले 3 महीने बच्चे का वज़न वीकली 150 ग्राम से बढ़ेगा, उसके बाद आपके बच्चे का वज़न वीकली 110 टू 130 ग्राम बढ़ेगा, 6 महीने बाद आपके बच्चे का वज़न वीकली 90 ग्राम टू 110 ग्राम बढ़ेगा, और करीब 9 महीने के बाद आपके बच्चे का वज़न वीकली करीब 80 टू 90 ग्राम टू 100 ग्राम के आसपास ही बढ़ेगा। तो बच्चे के वज़न बढ़ने का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम होता है, जिसमें आपका दूध कम हो गया अभी आपका बच्चा कम समय लेता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो डू नॉट वरी। और बच्चे को मोटा देखने के लिए अननेसेसरी फार्मूला मिल्क देना इज़ नॉट नीडेड। शायद बट फार्मूला मिल्क बुरा है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एन एड। अगर किसी मम्मा को खुद का दूध नहीं होता है, नहीं बनता है, या उतना दूध अच्छी क्वांटिटी में नहीं बन रहा है जिससे बच्चे का जो बेसिक हंगर है, जो यूरिन आउटपुट है, जो बेसिक वेट गेन है, वो नहीं हो पा रहा, तो फिर हम लोग को फार्मूला मिल्क का हेल्प लेना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर किसी के पास माँ का दूध नहीं है तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है अपने पास? फार्मूला मिल्क, और जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट यस, जब भी ब्रेस्ट मिल्क है तभी फार्मूला मिल्क देके बच्चे को मोटा करना, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये ब्रेस्ट मिल्क पीने वाला बच्चा ना रात में अच्छे से नहीं सोएगा, इसीलिए मुझे मेरे बच्चे को फार्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा। जब भी मैं मेरे बच्चे को फार्मूला मिल्क दूंगी तभी तो मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सोएगा, इसीलिए सुलाने के लिए मुझे मेरे बच्चे को फार्मूला मिल्क देना है। ओके, आप लोगों को बहुत ऑनेस्ट और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देती हूँ, फार्मूला मिल्क देने वाला बच्चा या पीने वाला बच्चा ज़्यादा अच्छे से और लंबा सोता है, ये कंप्लीट मिथ। जब भी आप फार्मूला मिल्क बच्चे को बॉटल से पिलाते हो तभी बॉटल के लिए भी तो बच्चा उठेगा ही, और ब्रेस्ट मिल्क पीने वाला बच्चा पूरी रात अच्छे से सोता ही नहीं है, ये भी कंप्लीट मिथ है।
स्लीप ट्रेनिंग, स्लीप हेल्थ, स्लीप हाइजीन, ये सभी चीज़ें ब्रेस्ट फीड वालों को भी अलाउड है और बॉटल फीड वालों को भी अलाउड है। बट कई बार बॉटल से लेने वाला बच्चा लेथार्जी या आलसी होकर लंबा सोता है, सो इसीलिए वो नॉट ऑन अ पॉजिटिव कॉन्टेस्ट की फॉर्मूला मिल्क लेने वाला बच्चा लंबा सोता है। इनफैक्ट सेकेंड विच इज़ अ निगेटिव थिंग कि फॉर्मूला मिल्क में शुगर का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, सो ब्रेस्ट मिल्क में भी शक्कर होता है, ब्रेस्ट मिल्क भी मीठा होता है, बट फॉर्मूला मिल्क का जो शुगर कॉन्टेंट है वो ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा है। उसकी वजह से होता क्या है, वो शुगरी मिल्क जो बच्चा पी रहा है, जितनी बच्चे को ज़रूरत नहीं है तो बच्चे का फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, बट बच्चे को अननेसरी, एक्चुअल में आप लोगों को मोटा करना है क्या, ये सवाल का जवाब आएगी सो आप ही लोग दे सकते हो। सो आप लोग सोचो इसके बारे में कि आप लोग अगर इस लाइन पे सोच रहे हो तो क्या आप लोग सही सोच रहे हो या आप लोग को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे को सही न्यूट्रिएंट्स फार्मूला मिल्क से ही मिलेंगे इसीलिए आपको फार्मूला मिल्क देना चाहिए। नो, माँ का दूध ये अलाइव मिल्क होता है। यस, अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हो, आपके पास ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, तो एज अप्रोप्रिएट फार्मूला मिल्क बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है, बट माँ का दूध ये अलाइव मिल्क है। आपके बच्चे की अभी की ज़रूरत के हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क कंपोज होता है, बनता है, निकलता है, उसका जो क्वांटिटी है, जो कंपोजिशन है, वो पूरा अल्टर होता है। बट एट द सेम टाइम पॉइंट टू भी उतना ही ज़रूरी है कि माँ के दूध में करीब एक चम्मच दूध में 3.5 लाख एंटीबॉडीज होते हैं जो फार्मूला मिल्क में है ही नहीं। सो माँ का दूध होते हुए भी फार्मूला मिल्क ना देना मतलब बच्चे के लिए बीमारियाँ इन्वाइट करने के जैसा है। सो एक चम्मच, 2 चम्मच, 10 ml, 20 ml जो भी आपके पास आपका दूध है वो बच्चे तक मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, तुझे जॉब ज्वाइन करना है, तुझे कंपलसरी फार्मूला मिल्क देना पड़ेगा। 6 महीने मेरे बच्चे को मैंने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया, बट अभी मुझे जॉब ज्वाइन करना है इसीलिए मुझे फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करना है, इट्स अ कंप्लीट मिथ। आप में से किसी को भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके जॉब के वहाँ पे आपको पंपिंग वगैरह अलाउड नहीं है तो आप रात में एक्स्ट्रा दूध पंप करके बच्चे को दिन में एक बार वह कटोरी या पलाड़ी चम्मच या ड्रॉपर से पिला सकते हो, पर उसके लिए फार्मूला मिल्क या बॉटल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सो श्रेया, क्या मैं जॉब ज्वाइन करने से कितने दिन पहले से स्केड्यूल फॉलो करूँ? सो आइडियली वी से कि आपके जॉब ज्वाइन करने से हफ्ता से 2 हफ्ता पहले से आपने ऐसा स्केड्यूल फॉलो करना है जैसे कि आप जॉब के समय फॉलो करोगे, मतलब आपके जॉब के आवर्स में बच्चा एक्सप्रेस्ड मिल्क लेगा, बच्चा कटोरी चम्मच से दूध लेगा, बच्चा ब्रेस्ट पे नहीं आएगा। इससे होगा क्या, आपके ब्रेस्ट को सेटल होने में हेल्प हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट मिल्क का पूरा जो क्वांटिटी है वो आपके फीडिंग टाइम के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। अगर आप आपके जॉब के समय बच्चे को सॉलिड फूड दे रहे हो तो बच्चा रात के समय ऑटोमेटिकली ज़्यादा फीड मांगेगा, तो उससे आपका रात का मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगा। बट शायद मैं जॉब मैनेज करूँ, मेरी रात का नींद भी नहीं होगा, बच्चा भी बार बार उठेगा, उससे तो अच्छा है बच्चे को बॉटल दे दूँ। ऑलवेज से दिस, रिस्पेक्ट, हमारा हमारे बच्चे के लिए रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा बच्चा ज़िंदगी भर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने वाला है, हमारे बच्चा ज़िंदगी भर इसे चिपकने नहीं वाला है। सो बच्चे का अभी उम्र है ये सब चीज़ें करने का। सो बच्चे को एंग्जाइटी, मिसिंग मदर, फीलिंग लाइक आई एम इन डेंजर, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये सब फीलिंग्स के कारण बच्चा आपको ज़्यादा चिपकता है, आपके पास ज़्यादा आना चाहता है। सो अगर आप पूरा दिन जॉब करोगे तभी बॉटल दोगे, शाम को भी आओगे तो बॉटल दे दोगे, और बॉटल हम लोग एक बार के लिए चालू करते हैं, कभी वो 2 बार 3 बार 4 बार हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बेसिकली क्या हो जाता है, धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ता है और धीरे धीरे बच्चा उस दूध के ऊपर अपना डिपेंडेंसी बढ़ाने लग जाता है। तो कैसे हो जाता है, आपकी ज़रूरत नहीं है ना, मदर इन लॉ, हस्बैंड, कोई भी बच्चे को दूध पिला सकता है, तो आपकी नींद तो हो जाएगी बट आप आपके बच्चे के साथ आपका जो एक्सक्लूसिव एंड डीप बॉन्ड है उसको मिस कर दोगे। सो ये सभी बातें हम लोगों को बताती है कि आपके बच्चे को अननेसरी मोटा करने के लिए या ज़्यादा सोने के लिए फार्मूला मिल्क देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए बच्चे को फार्मूला मिल्क देने का कोई कंपल्शन नहीं। इनफैक्ट आई ऑलवेज से दिस, टीवी ले लो, थिएटर ले लो, बाहर सोशल मीडिया ले लो, आप हर प्रोडक्ट की ऐड देखते हो, इनफैक्ट मेस्ट्रुअल कप्स की भी आप लोग ऐड देखोगे। आप लोगों ने कभी फार्मूला मिल्क की ऐड देखी है? क्यों? बिकॉज इट्स बैंड, अदरवाइज फार्मूला मिल्क कंपनी वाले प्रमोट करने लग जाएंगे, देखो कितना बढ़िया है, कितना न्यूट्रिशन है, आइडियल वेट फोर्टिफाइड है। इनफैक्ट एक साल के बाद के लिए लोग फार्मूला मिल्क भी बनाते हैं, जहाँ पे एक साल के बाद बच्चों को फार्मूला देना ही नहीं है हम लोग को।
सो फार्मूला मिल्क कंपनीज आर सीइंग इट एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, बट इनफैक्ट वो जब भी बना था उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी कि बच्चे को हम लोग जब माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तभी क्या चीज़ दे सकते हैं। तो ज़रूरत को समझो, ज़रूरत है तो फार्मूला मिल्क देना भी पड़ सकता है, जब भी ज़रूरत नहीं है तभी ट्रस्ट में उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझसे वन ऑन वन बात करके किसी पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस तक पहुंचना है, गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadusha.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।